इटावा जिले के दिग्गज बसपा नेता व पूर्व जिलाध्यक्ष राघवेंद्र गौतम ने बसपा से नाता तोड़कर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समक्ष समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। बसपा नेता गौतम के साथ पूर्व बसपा जिलाध्यक्ष लाखन सिंह, जितेंद्र दोहरे, पूर्व बसपा जिला सचिव अनिल गौतम, पूर्व जिला प्रभारी अजय जाटव, साजिद खान के अलावा वीरू भदौरिया, हरी बाबू, यनिंद्र दोहरे, देवेंद्र दोहरे, जीतू ठाकुर, राजीव चौधरी, अखिलेश दुबे, सत्यनारायण तिवारी, संतोष शर्मा, संतोष दोहरे, लकी अंसारी, तौफीक खान, 3 दर्जन से ज्यादा बसपा पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इटावा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समक्ष सदस्यता ग्रहण कर जैसे ही राघवेंद्र गौतम भरथना पहुंचे, भरथना समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष प्रताप वर्मा, सपा नेता अजय यादव गुल्लू व युवा सपा नेता रनिया गांधी ने पूर्व बसपा नेता राघवेंद्र गौतम को हाथों हाथ लेकर गर्मजोशी के साथ जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर गौरव यादव, करण वर्मा, ब्रजमोहन वर्मा, दिलाल मूसनी, मोहम्मद वकील लारा, रजत कठेरिया, योगेंद्र वर्मा सपा पदाधिकारियों ने पुष्पहार पहनाकर गौतम का भव्य स्वागत किया। बहुत अच्छा लग रहा है और भरथना में मजबूत पार्टी होगी और भरथना में कार्यकर्ता बहुत मजबूत रहेगा और आगे भगवान चाहे तो बहुत अच्छी लड़ाई लड़ेंगे, हम बीजेपी को हराएंगे। आगामी चुनाव की क्या तैयारियां हैं? बहुत अच्छी तैयारी है, एक एक कार्यकर्ता बहुत मजबूती से लड़ेगा। अब ये हमारा समाजवादी पार्टी में हमें पहले भी रहा था, मेरा परिवार था जी। और लंबे समय के मैं बहुजन समाज पार्टी के लिए काम किया, लेकिन चूंकि आज जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है और हमारी नेता कहीं ना कहीं थोड़ा सा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकता हुआ उनका दिख रहा है, और हमें गरीबों को, पिछड़ों की, वंचितों की लड़ाई लड़नी है, तो लोहिया जी का प्लेटफॉर्म, समाजवादी पार्टी का प्लेटफॉर्म मुझे अच्छा लगा, इसलिए आज हम लोगों ने ये तय किया कि हम समाजवादी पार्टी के बैनर तले हम लोग इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। परम पूज्य बाबा साहब और लोहिया जी के विचारों का देश जो है उस देश को आगे ले जाने का काम करेंगे, इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का काम करेंगे। आज तो 3 दर्जन तक हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के जाबाज कार्यकर्ता सिपाही हमारे साथ गए, और अब आगे देखिए कि पर डे कुछ ना कुछ, डे बाई डे सैकड़ों की संख्या में बहुजन समाज पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। शामिल हुए हों ऐसे लोगों, कुछ के नाम बताएं आप। संगठन के जैसे हमारे बहुत आदरणीय पूर्व जिलाध्यक्ष भाई लाखन सिंह जाटव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी जितेंद्र दोहरे, पूर्व जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी कीरत पाल सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे वीरू भदौरिया, अनिल गौतम जिला सचिव रहे, यतीन दोहरे जिला प्रभारी रहे, बीवीएफ के हमारे देवेंद्र दोहरे रहे, हरी बाबू जिला के प्रभारी, बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में आज कार्यकर्ता रहे जो पदाधिकारी हैं सब। आज बड़ा अच्छा दिन है, हमारे छोटे भाई राघवेंद्र गौतम जी बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आस्था व्यक्त की है। क्योंकि हम लोगों की आस्था शुरू से ही जो अखिलेश यादव जी हैं बहुत बढ़िया इंसान है, और उन्हीं की वजह से आज हम सभी लोग उनके साथ में हैं। और जो समाजवादी शासन में पक्षपात नहीं हुआ, गुंडागर्दी नहीं हुई, और इसी वजह से विकास कार्यों को देखते हुए उत्तर प्रदेश जनता सरकार बनाने जा रही है और अच्छे बहुमत से सरकार बनेगी, जनता की इच्छा है ये, और उसमें हम सब लोग भागीदार होंगे। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।